इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर, कनाडा में एक बड़े खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र के हवाले से खबर है, करीब 5 घंटे पहले कनाडा के समय के मुताबिक सूखा की हत्या हुई है। अर्श डाला का करीबी बताया जाता है ये सूखा जिसकी हत्या हुई है, और ये एक बेहद अहम खबर कनाडा से भी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। आनंद, क्या और ताजा अपडेट आ रही है इस खबर से जुड़ी? देखिए प्रशांत, एक बड़ा खालिस्तानी आतंकी है सुखा दुनी के, जो पंजाब का रहने वाला था और लंबे वक्त से कनाडा में रह रहा था और अर्श डल्ला का बेहद करीबी था, इसकी 5 घंटे पहले हत्या कर दी गई है। ये एक गैंगवार बताई जा रही है जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं। और वेनेगर एक इलाका है कनाडा का, काफी व्यस्ततम इलाका है, वहां पर सुखा दुनिके की हत्या हुई है। और इस पूरे मामले पर अब जो कनाडा पुलिस है वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और एक अगर देखा जाए तो पंजाब के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि पंजाब में आतंक का पर्याय बना हुआ था सुखा दुनिके, और हाल ही में सुखा दुनी के कई एसोसिएट पंजाब पुलिस, इसके अलावा हाल में स्पेदा सेल ने गिरफ्तार भी किया था इनके जो शूटर और गुर्गे थे। तो अब जो अर्श डल्ला है उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो गई है कि वो खुद को या तो सरेंडर करे या वो कहीं छुपेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही साथ रह रहे थे। और अभी कनाडा पुलिस और कनाडा की एजेंसियां हालांकि ज्यादा जानकारी इस बात को लेकर शेयर नहीं कर रही हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि गैंगवार में जो सुखा दुनी के उसकी हत्या की गई है। तो ये एक बड़ी खबर है, कनाडा में एक बड़े खालिस्तानी आतंकी सुखा की मारे जाने की खबर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आनंद।